छपरा के लोहड़ी पंचायत में शुरू हुआ 11 दिवसीय महायज्ञ निकाली गई भव्य कलश यात्रा। यज्ञ करने से बहुत ही लाभ होते हैं। यज्ञ से जो धुआं निकलता है वो वायुमंडल को शुद्ध करता है, जिससे वर्षा होती है और वर्षा किसान के फसल के लिए लाभप्रद होता है, जिससे अन्न उपजता है जो मनुष्य के जीवन के लिए जरूरी है। यह बातें यज्ञ करने पहुँचे श्री श्री 1008 श्री लक्ष्मी प्रपत्र जयर जी के शिष्य श्री 108 हिमांशु जी महाराज ने कही। श्री महाराज जी ने बताया कि भगवान दो तरह से भोजन करते हैं, एक तो ब्राह्मण के मुख से, दूसरा हवन में हवन करने से। इसलिए यज्ञ मनुष्य के लिए अनिवार्य है। यज्ञ शुरू होने से पहले आज गांव की महिलाएं और लड़कियां हाथ में कलश लेकर यज्ञ स्थल से दूर जसो सती पोखरा से जल लेकर पूरे गांव का भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल पहुँची। इससे पूर्व महाराज जी के हाथों गजराज की पूजा अर्चना किया गया। हाथी घोड़े गाजे बाजे के साथ सैकड़ों की संख्या में कलश यात्रा में लोग शामिल हुए। छपरा से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। जय श्रीमन्नारायण। ये लक्ष्मी प्रपन्न जी और स्वामी जी महाराज के शिष्य श्री हिमांशु स्वामी जी महाराज, योगेशाचार्य स्वामी जी महाराज, हम ग्राम लोहड़ी छपरा में नीलकंठ महादेव मंदिर एवं सती माई हनुमत प्राण प्रतिष्ठात्मक महायज्ञ करा रहे हैं। यज्ञ से सारा संसार विश्व का शांति होता है। यज्ञ जो है, यज्ञ से हवन होता है, जो धुआं निकलता है उससे पर्यावरण शुद्ध होता है। वे बहुत लोग कलश यात्रा लेकर के अपना मनोकामना जो भी पूर्ण होता है, जो भी मन में संकल्प लेकर के आप कलश उठाएंगे या यज्ञशाला में हवन करेंगे, 33 करोड़ देवता को अपने से जो है भोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हवन करने से भगवान दो मुख से ही भोजन करते हैं, एक ब्राह्मणों के मुख से और एक अग्नि में जब स्वाहा होता है, और ब्राह्मण जब खा करके तृप्त हो जाते हैं तो यज्ञ भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। चंडी यज्ञ है, साथ में मारुति यज्ञ भी है, क्योंकि हनुमान जी महाराज की भी प्रतिष्ठा है। ये कलश स्थापना से जब शुरू होगा तो कहां तक जाएगा? कलश यहां से हम लोग उठा करके और जासो सती पोखरा तक हम लोग जाएंगे। वहां से वरुण भगवान का पूजन करके, अपने इष्ट देवता कुल देवता कुल देवियों का पूजन करके, गंगा जी का पूजन करके, वहां से हाथी घोड़ा के साथ में हम लोग फिर यज्ञ स्थल पर आएंगे और परिक्रमा कर करके और वरुण देवता को वहां पर यथावत स्थापित कर देंगे। क्या शुभ नाम है सर आपका? संजय, आचार्य संजय कुमार उपाध्याय। पापा, सिवान में बड़ा धमाका आ गया है। क्या हुआ? पापा, हाई स्पीड अलायंस कंपनी का नेट आ गया है, आज ही लगवाए वरना कहीं छूट न जाए। पापा जल्दी कनेक्शन करवाए और फाइल अपलोड और ऑनलाइन नेट खूब स्पीड में चलाए, तो आज ही संपर्क करें।